हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय चार, कार्बन और उसके यौगिक। देखो बच्चों, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक यौगिक बनाता है अपनी आबंध क्षमता के कारण। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन के बारे में बच्चों। देखो बच्चों, कार्बन जो है वो हमारी आवर्त सारणी के अंदर 6 नंबर पे आता है, या मैं ऐसे बोलूं कि ये हमारे दूसरे आवर्त का, या अगर अपने समूह की बात करें तो 14वें समूह का एक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक, अगर मैं इसके परमाणु क्रमांक की बात करूं बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 6। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है बच्चों इसके अंदर उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बताता है, और एक तत्व के अंदर उसके प्रोटॉनों व उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक 6 है, यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी होगी, 6 होगी, जो कि मैंने यहाँ आपको बता रखा है कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चों इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, यानी कि इसके अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम कैसे जमा सकते हैं। उनको जमाने का तरीका ही होता है बच्चों, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2 और 2p2। और मैं अगर इसके सबसे बाहर की कक्षा की बात करूं तो इसके सबसे बाहर की जो कक्षा है बच्चों वो है 2, यानी कि दूसरी कक्षा। ये होते हैं बच्चों कक्षक। एस और पी की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये होते हैं कक्षक। कक्षक पाए जाते हैं कक्षा के अंदर। सबसे बाहर की कक्षा थी 2 नंबर, और इसके अंदर जो कक्षक थे वो थे एस और पी। तो इसकी सबसे बाहर की कक्षा में अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की बात करूं तो यहां देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों कोई भी तत्व प्रकृति के अंदर, जितने भी तत्व हैं, सभी तत्व अपने आप में स्थायित्व चाहते हैं। स्थायित्व के लिए क्या करते हैं, इन्हें हम अपने जो बाह्यतम कोष जो होता है इसके अंदर कुल 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ऐसा तत्व जिसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थायी होता है। तो यहां जब मैं देखता हूं तो यहां मैंने देखा कि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये क्या करेगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। तो यही कारण है बच्चों कि जो कार्बन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और यहां देखो बच्चों, कार्बन की अगर मैं संयोजकता की बात करूं तो इसकी संयोजकता होती है 4, क्योंकि यह अपने साथ 4 अन्य परमाणुओं को भी जोड़ सकता है। यही बात बच्चों हमने यहां बता रखी है। देखो कि कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकता है। अतः कार्बन अष्टक प्राप्त करने के लिए हेतु 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। अब बात आई कि अष्टक क्यों चाहिए, तो स्थायित्व के लिए चाहिए अष्टक हमें। और सहसंयोजी आबंध बनाता है बच्चों, ये जो बंध बनेंगे ना इन बंधों को बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। और सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। वे यौगिक जो सहसंयोजी बंध बनाते हैं वे विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे। अब हम देखते हैं कार्बन के अपर रूप। बच्चों कार्बन के अपर रूप इसका मतलब होता है कि कार्बन किन रूपों के अंदर पाया जाता है, क्योंकि देखो बच्चों सीधा कार्बन स्थायी नहीं है। कार्बन को स्थायित्व के लिए बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, पर हमने देखा कार्बन के पास सिर्फ 4 ही थे, यानी कि ये अकेला स्थायी नहीं रह सकता, तो ये अपने साथ किन्हीं न किन्हीं चीजों को चिपका कर रखता है, दूसरे तत्वों को चिपका कर रखता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन अन्य अपर रूपों में भी पाया जाता है। जैसे कि इसका पहला अपर रूप है बच्चों हीरा, डायमंड, जो संसार की सबसे कठोरतम धातु है हीरा। और ये कठोरतम होने का कारण है इसका आकार, या मैं से बोलूं कि इसकी आकृति। हीरा बच्चों देखो, एक जो कार्बन परमाणु होता है वह अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है इस तरीके से, एक 4 अन्य के साथ जुड़ा रहता है। तो ये जो बच्चों जो कुल बन रहा है इस आयाम को बोलते हैं त्रिआयामी संरचना, यानी कि हीरे की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, त्रिआयामी संरचना। और इसमें एक कार्बन जो है वो अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा रहता है। जैसे कि यहां देखो,
कि हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के चार अन्य परमाणुओं के साथ आमंत्रित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। हीरा अत्यंत कठोर होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब बच्चों जिसके अंदर से विद्युत का संचार नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। बच्चों ग्रेफाइट जो है ये एक षटकोणीय प्रतदार संरचना बनाता है। देखो बच्चों ग्रेफाइट की संरचना ऐसी होती है, ये एक षटकोणीय संरचना बनाता है और षटकोणीय के अंदर भी अगर अपने बात करें तो प्रतदार संरचना, इस तरीके की एक परत और इसके नीचे एक और परत, यानी कि परतों के रूप में ऐसे, जैसे कि अगर बात करें ये षटकोणीय संरचना आ गई, ऐसे की ऐसी संरचना इसके नीचे होती है और ये जो दो कार्बन होंगे इसकी जो नीचे संरचना आएगी वो इसके साथ जुड़ी होती है। तो परतदार संरचना होने के कारण ग्रेफाइट एक दूसरे पे फिसलता रहता है और यही कारण है कि ग्रेफाइट का उपयोग हम पेंसिल बनाने में करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम बुक पे लिखते हैं तो जैसे जैसे ग्रेफाइट की परत हटती रहती है वो बुक के ऊपर वैसा वैसा लिखा जाता है और नई परत आ जाती है। यही कारण है कि ग्रेफाइट का हम शुष्क स्नेहक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों परतदार होने के कारण एक दूसरे की जो इसकी परतें होती हैं एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है। आइए जानते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का बंधन कार्बन के तीन अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। ये देखो बच्चों इस कार्बन की अगर बात करें तो एक ये नीचे आ गया, एक ये और ये, तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से हो गया और एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। ये देखो बच्चों मैंने आपको बनाकर दिखाया है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं परतों की तरह। ग्रेफाइट ताप का बढ़िया चालक एवं विद्युत का सुचालक भी है। सुचालक का मतलब बच्चों इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी कि अगर आप पेंसिल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहें तो आप कर सकते हैं। परमाणु रिएक्टरों में मंदकों के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अब मैं बात करता हूं बच्चों फुलरीन की। देखो बच्चों फुलरीन की कई संरचनाएं होती हैं, जैसे कि 80 कार्बन परमाणुओं की भी होती है, 60 कार्बन परमाणुओं की होती है, 80 की होती है, 95 की होती है, पर इन सब के अंदर जो सबसे स्थायी फुलरीन होता है वो होता है 60 कार्बन परमाणुओं की संरचना वाला। ये बच्चों फुटबॉल की तरह होता है, इसीलिए इसे बकीबॉल भी कहा जाता है। फुलरीन कार्बन अपरूप का एक वर्ग है। C60 की संरचना अधिक स्थायी होती है बाकियों की अपेक्षा, जिसे बकमिंस्टर फुलरीन नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्बनिक यौगिक। नाम से स्पष्ट है बच्चों कार्बनिक यौगिक यानी कि वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने हैं, उन यौगिकों को क्या कहते हैं अपने कार्बनिक यौगिक। जैसे कि यहां बता रखा है कि कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध के प्रकार के आधार पर कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। देखो बच्चों संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक ये दोनों अलग होते हैं एक दूसरे से अपने कार्बन कार्बन बंध के कारण। जो संतृप्त यौगिक होते हैं बच्चों इनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध पाया जाता है वो सभी के सभी होते हैं एकल बंध। वो सभी क्या होंगे एकल बंध। वहीं अगर मैं बात करूं असंतृप्त यौगिकों की तो असंतृप्त यौगिकों में ये डबल बंध बॉन्ड भी हो सकते हैं, द्विबंध भी हो सकता है और ये त्रिबंध भी हो सकता है। तो ऐसे यौगिक जिनमें द्विबंध या त्रिबंध हो असंतृप्त यौगिक होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें केवल एकल बंध हो संतृप्त यौगिक होते हैं। जैसे कि बच्चों यहां बता रखा है कि जिसमें कार्बन कार्बन सभी बंध एकल बंध से जुड़े हों संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन। अगर अपने देखो जैसे बात करें बच्चों एथेन की, अपने एथेन की बात करते हैं बच्चों, तो एथेन बच्चों ये होता है, इसे अपने कहते हैं एथेन। तो यहां बच्चों अपने देख सकते हैं क्या यहां आपको कोई भी द्विबंध नजर आ रहा है, जितने के जितने सारे के सारे बच्चों क्या हैं सिंगल बंध है, एकल बॉन्ड है,
ये देखो बच्चों, तो ये कैसा यौगिक है? संतृप्त यौगिक। वहीं अगर मैं असंतृप्त की बात करूं तो एथीन व एथाइन, इसमें क्या होता है बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच एक द्विबंध आ जाता है। हमें पता है कार्बन की संयोजकता कितनी है, चार, यानी कि ये कुल चार ही बंध बना सकती है। तो ये देखो एक दो तीन चार, इसकी बात करूं तो एक दो तीन चार, कार्बन के चार बंध भी पूरे हो रहे हैं। तो यहां एक बीच में क्या आ गया बच्चों, द्विबंध, और द्विबंध आ गया तो वो यौगिक कैसा हो गया, असंतृप्त यौगिक। अब हम बात करते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन व कार्बन के अलावा उनमें और कुछ भी ना हो, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक। केवल कार्बन व हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। अभी मैंने आपको संतृप्त के बारे में बताया, सारे के सारे बंध होंगे कैसे होंगे, एकल बंध। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन या असंतृप्त कौन सा होगा जिसमें एक द्विबंध आ जाएगा, और वही एक या एक से अधिक त्रि आबंध वाले यौगिकों को क्या कहते हैं, एल्काइन। जैसे कि बच्चों अगर मैं आपको एल्काइन बनाकर दिखाऊं तो एल्काइन हम ऐसे बनाएंगे बच्चों, इसमें कितने बंध आ जाएंगे, त्रिबंध आ जाएंगे। तो ये बच्चों क्या है, एक एथाइन, एल्काइन या एथाइन। अब हम बात करते हैं बच्चों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। एल्केन जो होता है बच्चों, ये होता है CnH2n+2, यानी कि आप यहां n की कोई भी वैल्यू रखिए, कोई भी मान रखिए, आपको हमेशा क्या प्राप्त होगा, एल्केन। जैसे कि अपने रख के देखते हैं, मान लो हमने n का मान रखा है 3, n का मान जब 3 रखूंगा तो C3H 6 और 2 8, C3H8। चलो बच्चों संरचना बनाकर देखते हैं, हमने देखा कार्बन इसके अंदर कितने आए, 3। एच की बात करूं तो एच कितने हैं बच्चों, 8, तो सबकी जगह एक एक एच लगा दो, गिनना जरा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 के 8 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, तीनों के तीनों कार्बन भी आ गए, और सभी के सभी बंध कैसे हैं, एकल बंध है। तो ये क्या हो गया, एल्केन। तो आपसे कोई पूछे एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है बच्चों CnH2n+2। अपने बात करते हैं एल्कीन की, कोई ज्यादा फर्क नहीं है बच्चों, ये 2 हटा दो बस, CnH2n। यहां अगर मैं n बराबर 3 रखूं तो देखो बच्चों ये क्या बनेगा, C3H6। इसकी संरचना अगर अपने बच्चे बनाए तो कैसे बनेगी, यहां मैं एक डबल बॉन्ड लगाता हूं, देखो बच्चों यहां मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो बच्चों इसके पास 3 हो गए, एक संयोजकता बाकी है, टोटल 4 बंध बनाता है कार्बन, इसके भी 4 पूरे हो गए बच्चों और इसके भी 4 पूरे हो गए। अब हाइड्रोजन की संख्या गिनो बच्चों, यहां एक आएगा, यहां 2 3 4 5 और 6, यही तो मैंने कहा था, जो हाइड्रोजन है उनकी संख्या कितनी आ रही है, 6, कार्बन कितने हैं, 3। चलो बच्चों बात करते हैं अपने एल्काइन की। एल्काइन का फॉर्मूला होता है बच्चों ये CnH2n-2, यानी कि अगर मैं यहां C3 रखूंगा, ये मैं यहां करके दिखाता हूं बच्चों, तो Cn की वैल्यू अगर 3 रखूं तो ये आएगा बच्चों C3, ये 6 में से दो गए 4, H4। तो यहां बच्चों मुझे एक जो है ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा कोई भी, यहां मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो बच्चों सबसे पहले अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी होगी, अब इस कार्बन की भी 4 पूरी होगी, और मैंने इसकी भी 4 पूरी कर दी। अब अगर अपने हाइड्रोजन की संख्या गिनी तो 1 2 3 और 1 4, ये तो मैंने बच्चों बताया आपको कि C3H4, और यहां पर एक क्या आ गया, त्रिबंध आ गया, तो ये क्या बन गया अपना, एल्काइन बन गया। आगे बढ़ते हैं प्राकृत्यात्मक समूह। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, कई बार इनमें हाइड्रोजन की जगह लास्ट में कुछ और दूसरे समूह जुड़ जाते हैं, तो उनके हिसाब से इनका नामकरण चेंज हो जाता है, इनका नामकरण बदल जाता है। जैसे कि कुछ एक यहां मैं आपको बताऊंगा, जब हाइड्रोकार्बन संख्या में विषम परमाणु
मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और परमाणु किसी समूह रूप में या इस तरह से उपस्थित हो जो यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करता है तो इसे क्या कहते हैं? प्राकृत्यात्मक समूह कहते हैं। जैसे कि हेलो, हेलो का मतलब होता है बच्चों कहीं क्लोरीन जुड़ जाए आके, कहीं ब्रोमीन जुड़ जाए आके। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल के प्रयात्मक समूह का नाम होता है OH, जैसे कि C2H5OH, C2H5OH। तो ये क्या बन गया बच्चों अपना C2H5OH, तो ये हमारा बन गया एथिल अल्कोहल। क्योंकि देखो बच्चों C2H6 जो था वो क्या था अपना एथेन, इसमें एक हाइड्रोजन को कम करके मैंने और इसकी जगह क्या जोड़ दिया एक समूह OH, तो ये क्या बन गया अल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो गया एथिल अल्कोहल। आगे चलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब होता है बच्चों CHO, यानी कि एक नया समूह जुड़े। अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं तो बच्चों इसकी संरचना ऐसे बनती है और यहां पूरा कोई भी कोई एक समूह लगा दें अपने, तो ये क्या बन गया बच्चों CHO, यहां एच आएगा बच्चों CHO। ऐसे जब मैं बात करता हूं कीटोन की, तो कीटोन का जो समूह होता है वो होता है CO, C डबल बॉन्ड O से लिखते हैं इसको अपने CO। ऐसे जब मैं बात करता हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल की, बच्चों कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है ये होता है COOH, यानी कि किसी के भी पीछे अगर COOH लग जाए तो वो क्या बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों के। सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके दहन की। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन होने पर ऊष्मा, प्रकाश और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों हम प्रदूषक के रूप में लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध आते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो यहां मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला के साथ, स्वच्छ ज्वाला का मतलब है तो प्रदूषण रहित जलता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ है जलता है। तो बच्चों अगर आपसे कोई इन दोनों के अंदर विभेद करवाना पूछे, मान लो मैं आपको कोई दो यौगिक आपके हाथ में दे दूं कि ये दो यौगिक हैं, आप इनमें से पहचानो कि कौन सा संतृप्त है और कौन सा असंतृप्त है, तो आप एक काम करो दोनों को जला दो। जो ज्यादा धुएं के साथ जलेगा वो असंतृप्त, जो कम धुएं के साथ जलेगा वो संतृप्त। अपूर्ण ऑक्सीकरण, इसके अंदर क्या होता है बच्चों क्षारीय या अम्लीय पोटेशियम डाइकर्बोनेट यानी कि K2CrO5, ये होता है बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट। अल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, और अल्कोहल मतलब C2H5OH, मतलब वे जिनके लास्ट में क्या जुड़ा हो OH, तो इन अल्कोहलों को किसमें ऑक्सीकृत करते हैं अम्लों में, यानी कि कौन सा ग्रुप बना देते हैं COOH। अभी अभी हमने देखा था इसको क्या बोलते हैं अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे संकलन अभिक्रिया। देखो बच्चों संकलन अभिक्रिया कहते हैं, हमारे सामने ये एक अभिक्रिया है, इसे हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां देखो R का मतलब होता है बच्चों कोई भी एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ आर आर, आर का मतलब होता है बच्चों एल्किल समूह, कोई भी एक एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब बच्चों कोई भी एक कार्बन और हाइड्रोजन की लंबी श्रृंखला। ये जब आपस में जुड़ते हैं, जब इनकी अभिक्रिया निकल उत्प्रेरक, बच्चों उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो एक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं उन पदार्थों को कहा जाता है उत्प्रेरक, यानी कि वो खुद तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते पर उसकी दर को प्रभावित कर देते हैं। यहां निकल जो है वो खुद भाग नहीं लेगा, अगर खुद भाग लेता तो हमें उत्पाद के अंदर निकल प्राप्त होता, पर ये खुद भाग नहीं लेता, ये सिर्फ क्या करता है उनकी दर को बढ़ाने का काम करता है। इस निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो यहां देखो बच्चों ये जो आर जो ग्रुप थे इनकी जगह मुझे साथ में क्या मिल रहा है
हाइड्रोजन भी मिल रहा है। तो यहाँ देखो बच्चो, जैसे कि यहाँ मैंने सभी आर ग्रुप लगाए, तो इन आर ग्रुप के साथ अब मुझे एक क्या मिल गया, हाइड्रोजन भी मिल गया। तो मतलब एल्किल ग्रुप को हटाकर जब मुझे हाइड्रोजन जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराऊंगा। और बच्चों ये होता है वनस्पति घी, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, कि कैसे हम एक एल्किल समूह से वनस्पति घी प्राप्त कर सकते हैं। यहां देखो बच्चों कि निकल अथवा पैलेडियम, या इस निकल की जगह मैं पैलेडियम नामक उत्प्रेरक भी यूज कर सकता हूं। जैसे उत्प्रेरकों की उत्प्रेरक बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया उत्प्रेरक क्या होते हैं, उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये देखो बच्चों यहां डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो ये देखो बच्चों यहां इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ गया, और हाइड्रोजन जुड़ते ही देखो बच्चों मैंने यहां दो हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो जैसे ही हाइड्रोजन जुड़े ये क्या बन गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। और इस अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया, यानी कि हाइड्रोजन जोड़ना हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अब हम बच्चों बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वैसे तो बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात हम इससे पहले भी कर चुके हैं जब हमने पहला अध्याय किया था, एक बार दोबारा देख लो। प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। यहां देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन से एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करती है। यहां देखो बच्चों ये मेरे पास मैथेन थी, जब मैं मैथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करवाता हूं तो ये क्या करती है बच्चों, ये सील है ना, इन हाइड्रोजन के परमाणुओं को बाहर निकाल देती है एक एक करके। यानी कि पहले बना दिया CH3Cl प्लस HCl, अगर इसके बाद मैं दोबारा करवाऊं यही अभिक्रिया तो ये क्या काम करेगा, इस बार एक को और निकाल देगा, ये बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl प्लस H2 गैस, ये क्या कर देगा बाहर निकाल देगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। देखो बच्चों जो घरों में शराब पी जाती है वो शराब यही होती है बच्चों, एथिल एल्कोहल। कई बार आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से 10 की मौत, 15 की मौत, 12 की मौत, तो वो जहरीली शराब क्या होती है, कई बार क्या होता है गलती से इस एथिल एल्कोहल की जगह मैथिल एल्कोहल बन जाता है। एथिल एल्कोहल ये होता है बच्चों C2H5OH, ये तो होता है बच्चों एथिल एल्कोहल। कई बार क्या होता है बच्चों ये बन जाता है CH3OH, ये होता है बच्चों मैथिल एल्कोहल, ये जहरीली होती है। एथिल एल्कोहल जहरीली नहीं होती, इसीलिए इसका हम अलग अलग जगह उपयोग भी करते हैं, औषधियों के रूप में उपयोग भी करते हैं। जैसे कि देखो एथिल एल्कोहल सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, इसका बच्चों जो क्वथनांक होता है और जो इसका गलनांक होता है ये अधिक होता है पानी की अपेक्षा। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। देखो बच्चों ज्यादा क्वथनांक होने के कारण ही जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उन लोगों को शराब पिलाई जाती है या वो लोग शराब के आदि होते हैं। क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है, मान लो आप एक ऐसे स्थान पर रह रहे हो जहां का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी अगर कम है तो आपके शरीर के अंदर जो पानी है वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपका वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अब वो लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, क्योंकि जब उनके शरीर में पानी की जगह अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होगी तो अल्कोहल कभी भी 0 डिग्री पे जमता नहीं है, तो अगर जमेगा नहीं तो बढ़िया काम चलता रहेगा। आगे बात करते हैं बच्चों एसिटिक अम्ल की। बच्चों ये एक प्राकृतिक अम्ल होता है, यानी कि हमें नेचर प्रकृति से प्राप्त होता है। सिरके में पाया जाने वाला प्रमुख अवयव एसिटिक अम्ल होता है। सिरका एसिटिक अम्ल का 3-4% जलीय विलयन होता है, यानी कि जितना भी आप मान लो आपने 100 ml सिरके का जलीय विलयन लिया तो इस 100 ml के अंदर 3-4 ml क्या होगा, एसिटिक अम्ल होगा। इसका प्रयोग सेलुलोज एसीटेट, धातु एसीटेट, एस्टर, एसीटोन आदि बनाने में विलायक के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों
साबुन व अपमार्जक। देखो बच्चों, अपमार्जक या इसे हम आम भाषा में सर्फ भी कहते हैं। अब देखो बच्चों होता क्या है, साबुन और अपमार्जक ये दोनों हम हमारी आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में रोज यूज करते हैं साबुन और अपमार्जक को। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम इनका उपयोग क्यों करते हैं, तो साबुन व अपमार्जक का उपयोग सर मैल को हटाने में किया जाता है, जो गंदगी होती है गंदगी को हटाने में किया जाता है, जो हमारे कपड़ों में गंदगी चिपक जाती है उसे दूर करने में किया जाता है। तो फिर आपका प्रश्न ये रहना चाहिए कि जब सर साबुन सारे काम कर ही रही थी तो फिर अपमार्जक की जरूरत क्या पड़ी। बच्चों कुछ जगह कुछ कंडीशन ऐसी बनती है जहां साबुन काम नहीं कर पाती, या मैं ऐसे बोलूं कि कठोर जल के अंदर साबुन काम नहीं करती। तो सर ये कठोर जल क्या होता है बच्चों? ऐसा जल जिसमें मैग्नीशियम की अशुद्धि पाई जाती है उसे कठोर जल कहा जाता है, और जिसमें नहीं पाई जाती उसे सरल जल कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं साबुन और अपमार्जक की, कि ये कैसे गंदगी को कपड़े से अलग करते हैं। देखो बच्चों, साबुन जो है वो एक लंबी श्रृंखला युक्त एल्कोहल होते हैं जैसे कि ये, और जब ये हाइड्रोजन का त्याग कर देती है तो इसके ऊपर आ जाता है माइनस का निशान। और बच्चों ये क्या होता है, इस तरीके से एक संरचना बनाती है इस तरीके की। मान लो यहाँ कोई मैल की बूंद पड़ी है तो ये उसके चारों ओर इस तरह की एक संरचना बना लेती है, और ये जो बच्चों इसका ये जो हिस्सा होता है ना वो मैल को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये जो हिस्सा होता है वो पानी को आकर्षित करता है, यानी कि इन्हें पानी बाहर खींचता है, ये मैल को खींचते हैं। तो इस खिंचा खांची के अंदर, खिंचा तानी के अंदर ये जो मैल जो होता है, गंदगी जो होती है, वो क्या होती है, कपड़े से बाहर आ जाती है। ये बच्चों इसके अंदर बताया गया है कि साबुन जल में घुलनशील लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। इसका उपयोग सफाई के लिए किया जाता है। सोडियम युक्त साबुन कठोर तथा पोटेशियम युक्त साबुन मुलायम होते हैं। देखो बच्चों ये जो संरचना बनी है ना, इस संरचना को बोला जाता है मिशेल। इस संरचना को क्या बोलते हैं अपने, मिशेल कैसे बनते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों अपमार्जक की। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ घुलनशील पदार्थ नहीं बनाते, अतः यह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। यही कारण है कि बच्चों जो साबुन होती है वो कठोर जल में काम नहीं कर पाती, जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर जल में काम कर जाते हैं। और यही कारण है कि साबुन की जगह किसका उपयोग किया जाता है, अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ ये हमारा अध्याय यहीं खत्म होता है। इस अध्याय के अंदर हमने कार्बन के बारे में जाना, कार्बन के यौगिकों के बारे में जाना, कैसे कार्बन कार्बन बंध बनते हैं, उनसे जो यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा। तो इसी साथ ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।